नमस्कार दोस्तों, और आप सब लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से पूरे देश में संविधान दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जिस उत्साह से संविधान दिवस मना रहे हैं, अद्भुत है। भरोसा नहीं होता कि हम वही बहुजन समाज के लोग हैं जो लगातार सत्ता से बाहर हैं, जिनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिन पर लगातार अत्याचार हो रहा है। लेकिन जिस तरह की जागरूकता ही है बहुजन समाज की जागरूकता, जिस तरह का संविधान के प्रति लोगों ने समर्पण प्यार उत्साह दिखाया है, वो चौंकाने वाला है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी सदी जो होगी वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सदी होगी, बाबा साहेब अम्बेडकर की सदी होगी, ज्योतिबा फुले राव की सदी होगी, वो कबीर की सदी होगी, बुद्ध की सदी होगी, संत श्रीमणि रविदास की सदी होगी, वो बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बहुजन एकजुटता दिखेगी और बहुजन समाज सत्ता में आएगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 25 से लेके और 26 और 27 तक पूरे देश में लगभग 10 से 15 करोड़ बहुजन समाज के लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन टेलीविजन मीडिया पर एक हेडलाइन नहीं है, एक खबर नहीं है। उसी तरह से सबसे ज्यादा मैं बधाई देना चाहूंगा इस देश के बहुजन समाज के ओबीसी को, जिन्होंने अयोध्या में बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी और शिवसेना, सबसे लास्ट प्लेयर है शिवसेना, उसके पूरे एजेंडे को डिरेल कर दिया है। मुझे जो जानकारी मिल रही है, मुश्किल से 5,000 से 10,000 लोग वहां जमा हुए हैं। सैल्यूट करता हूं मैं इस देश के बहुजन समाज को, जिनको पता चलने लगा है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो भलाई है, उनका जो अधिकार है, वो संविधान में है, मंदिर में नहीं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं बहुजन समाज के उन युवाओं को जिनको पता चल गया है कि उनको अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से मिला है, बाबा साहब ने दिया है, वो जगदेव बाबू ने दिया है, वो अधिकार ज्योतिबा फुले ने दिया है, वो अधिकार फातिमा शेख ने दिया है, वो अधिकार माता सावित्री बाई ने दिया है, वो अधिकार पेरियार ललित सिंह यादव ने दिया है, वो अधिकार पेरियार ने दिया है, वो अधिकार जगदेव प्रसाद ने दिया है, वो अधिकार वर्मा जी ने दिया है, वो अधिकार सोनीलाल पटेल ने दिया है, वो अधिकार मान्यवर कांशीराम ने दिया है। तो इन तमाम लोगों को सैल्यूट, जो पूरे बहुजन आंदोलन को समझ रहे हैं, और इसमें जो टूल का काम हो रहा है, इसमें जो हथियार है बहुजन समाज का, वो है ये मोबाइल, वो है सोशल मीडिया, वो है व्हाट्सअप, वो है फेसबुक, वो है ट्विटर, वो है ब्लॉग। तो मैं तमाम उन तमाम लोगों को जो दिन रात अपना डेटा खर्च के, वो तमाम लोगों का मैं नाम लूंगा आज, जो बहुजन समाज के लिए लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये किसी राजनीति से आंदोलन से कम नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस देश के तमाम उन बहुजनों का जो नौकरी पेशे में हैं, जो तमाम तरह से सोशल आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी समानता के लिए काम कर रहे हैं, और जिन्होंने 1992, याद कीजिए 25 दिसंबर 1992 को जो आतंक मचा था, 26 दिसंबर 1992 को जिस तरह से देश में माहौल था उसको उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है। दरअसल शिवसेना जो है वो खुद महाराष्ट्र में अपनी जमीन खोती जा रही है, उसने इस एजेंडे को बढ़ाया। अब समझिए कि इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि आज सारे वेबसाइट्स पर, सारे चैनल पर खबर दिखाया जा रहा है कि मोहन भागवत ने कहा है कि कानून बनाया जाएगा, लेकिन संविधान दिवस की खबर कहीं नहीं चल रही है। तो ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी मीडिया सोशल मीडिया है, आपका मीडिया फेसबुक ट्विटर है, आपका मीडिया यूट्यूब है, आपका मीडिया टेलीविजन और अखबार नहीं है। लेकिन जो जागरूकता, जो समझदारी इस देश के बहुजनों ने दिखाई है, और खासकर ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग ऑलरेडी आंदोलन चला रहे हैं, ओबीसी के लोगों को अब अपना आरक्षण 69% करने की मांग करनी चाहिए, 69%, और उसका असर दिख रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे ही अपनी रैलियों में मंडल कमीशन की चर्चा करती हैं, जैसे ही वो बताती हैं कि किस तरह से मंडल कमीशन आया, किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ रहा है कि हम मंडल आयोग के पक्षधर हैं और राजीव गांधी ने मंडल आयोग के खिलाफ जहर उगला था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन नरेंद्र मोदी से पूछिए कि अरे नरेंद्र मोदी, ओबीसी के नाम पर तुम वोट लेके आए, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया, उसको इंप्लीमेंट किया, दरअसल इनके पेट में जो है ना, वो मुंह में अम्बेडकर और पेट में छुरा है। तो बीजेपी के साथ तो आप किसी कीमत पर नहीं जा सकते, कांग्रेस के साथ भी वही स्थिति है, लेकिन समझना पड़ेगा
कि हमारे देश के बहुजन समाज कैसे बदल रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में इस समय राजस्थान में घूम रहा हूं, चुनाव की बातें भी आपको कुछ बताऊंगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बधाई आप लोगों को, देश के उन तमाम बहुजनों को, उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, दुनिया के तमाम कोनों में रह रहे लोगों को जिन्होंने संविधान दिवस को सबसे बड़ा आयोजन बना दिया है। भले टीवी न दिखाए, भले सोशल मीडिया अखबार न दिखाए, लेकिन जिस तरह से संविधान की खबरें चल रही है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों ने लगातार जो किया है वो रतन लाल लिखते हैं, साहब ने कल कहा कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। साहब संघ, जनसंघ और भाजपा बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने के लिए कौन सा आंदोलन चला रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई स्वीकार करें दोस्तों। दिलीप मंडल लिखते हैं, नितिन ठाकुर लिखते हैं, संविधान शरणम गच्छामि, आज संविधान दिवस है और आपातकाल के बाद पहली बार है जब इसे और जोर शोर से मनाने की जरूरत है। तो बहुजन समाज के लोगों ने संविधान को लेकर किस तरह से लिखा है वो पढ़ के दिखाऊंगा। और उसके बाद अयोध्या में जो इन्होंने तैयारी की थी कि मुसलमानों को डराया जाए, उनको मारा जाए, इनके साधु संत जिस तरह से जमा हुए हैं और इसमें टीवी अखबार वालों की अहम भूमिका है। सोचिए कि आज करोड़ों लोग, 10 करोड़ से ज्यादा लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन कोई टेलीविजन अखबार नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये साधुओं के संसद, धर्म संसद, फलाना संसद, ढिमकाना संसद का जिस तरह से कवर कर रहे हैं उससे साफ साफ शक जाहिर होता है कि टेलीविजन और अखबार इस देश में उन्माद फैला रहा है और वो मुसलमानों का दुश्मन है। और कांग्रेस इसमें सीधे सीधे बराबर की भागीदार है, क्योंकि कांग्रेस भी कहती है मंदिर तो बनना चाहिए। अरे भाई साहब, इस देश में संविधान से देश चलता है, सुप्रीम कोर्ट से देश चलता है। तो कांग्रेस और बीजेपी में मिली भगत है, उनको पता है कि बीजेपी से नाराज होकर मुसलमानों के लिए सबसे मुसीबत का वक्त। इसलिए मैं सीएसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज के साथ ताकत से बने रहिए। हमारे घर में राम ने चोरी किया, हम रहीम को क्यों मारने जाएं? मुस्लिम समाज हमारा आरक्षण का विरोध नहीं करता है, मुस्लिम समाज हमें धर्म के आधार पर नीच नहीं कहता है, मुस्लिम समाज हमारे साथ खाने के लिए भेदभाव नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने लोगों की बात करनी पड़ेगी, हमें समझाना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी क्या है पूरा मामला। तो आगे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से लोग राम मंदिर को लेकर क्रिटिक्स हो रहे हैं बहुजन समाज के लोग, ये बहुत जरूरी है। अरे कोई उनका हाल बताओ जो कह रहे थे चिता तैयार है, अगर आज राम मंदिर न बना या फिक्स डेट न मिली तो आग लगा लेंगे, ब्रह्म भोज कब है। दिलीप मंडल लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की बधाई दोस्तों। भास्कर लिखते हैं संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, 26 नवंबर संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद लिखते हैं संतोष कुमार, 10,000 की भीड़ भी नहीं जुटी अयोध्या में, मतलब दलित और पिछड़े चालाक हो गए हैं, सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा तो लग गया होगा आपको। राकेश कुमार लिखते हैं चुनाव सर पर है, जनता महंगाई से और युवा बेरोजगारी से परेशान है, चलो एक बार फिर से मंदिर मंदिर खेलते हैं और एक बार फिर मासूम पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये जो बहुजन समाज में जागरूकता है इसके लिए शुक्रिया, सैल्यूट सोशल मीडिया को। वे तुम्हारे बच्चों को मंदिरों में लड़ाएंगे और अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाएंगे, मूर्ख लोगों अपनी जरूरत को समझो। मोहम्मद शफीक लिखते हैं ये वो पब्लिक है जो अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे में जमा हुई भीड़, जिसे बिकाऊ मीडिया 2.5 लाख बता रहा था, इसे देखकर पता लगा, लगता है राम मंदिर नहीं लोग, महंगाई और बेरोजगारी है मुद्दा है। तो लगातार बहुजन समाज के जो लोग लिख रहे हैं, जो आज जो मूर्ख राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, अगर वही आंदोलन शिक्षा बेरोजगारी के लिए करते तो आज हम अमेरिका जापान से आगे होते। राहुल कुमार यादव लिख रहे हैं, नाम सुनिएगा, इस सारे के सारे ओबीसी के लोग हैं और ये जागरूकता बनी, अगर ये बहुजन समाज की यूनिटी बनी तो इस देश में अंबेडकर युग आने से कोई नहीं रोक सकता है। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, रास्ते में भटकी भेरो कबीर से कुछ सीखो, भीड़ का हिस्सा न बनो, अपनी जिंदगी अनमोल है। उसके बाद विश्व सम्राट लिखते हैं, सुनने में आ रहा है अयोध्या में मंदिर बन गया है, महंत ओबीसी जाति के कालू राम यादव को बनाया है और दूसरे नंबर के महंत टेक राम चमार है, बाकी कुम्हार कुशवाहा तेली जाति से भी जो चढ़ावा आता है उसका लेखा जोखा रखने के लिए तथा खर्च करने की योजना में है, ब्राह्मण उस मंदिर के बाहर झाड़ू पोछा लगाएंगे क्योंकि उनके लिए राम मंदिर में पोछा लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कोई समाचार वाला चैनल न्यूज नहीं दिखा रहा है, क्या चक्कर है। इस तरह के तंज कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग। गीता यादव लिखती हैं, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मैं इस लड़के को नहीं जानती लेकिन कुछ कुछ बात तो इसमें अच्छे से बता सकती हूँ,
इस लड़के की माता पिता दोनों में से कोई भी किसी सरकारी उच्च पद पर नहीं है, न ही बहन भाई, न ही किसी मंत्री का बेटा हो सकता है, न इसके परिवार में कोई विदेश जाकर पढ़ाई कर रहा होगा। इंटेलेक्ट की बात नहीं करूंगी, खुद से पूछे तुम कौन हो। तो ये तस्वीर जिस तरह से वायरल हो रहा है, ये तस्वीर मैं लगाऊंगा आपको, फेसबुक पर वायरल हो रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज की यूनिटी जो बन रही है उसी में इस देश की भलाई है, उसी में संविधान बचेगा। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, और बहुजन समाज टेलीविजन अखबार की बिना फिक्र किए हुए जिस तरह से संविधान दिवस मना रहा है और जिस तरह से उसने अयोध्या वाले मामले को डिरेल किया है, उससे साफ हो गया है कि 2 अप्रैल ही नहीं, रोहित बेमूला ही नहीं, सहारनपुर ही नहीं, सबीरपुर ही नहीं, बहुजनों का यूपी में एनकाउंटर ही नहीं, भीमापुरे गांव ही नहीं, इस देश का बहुजन अब सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन चलाएगा और बहुजनों की सरकार भी बनेगी। देखते हैं सुभाष चंद्र यादव, अखिलेश यादव का आवास गंगाजल से धोया था, इसलिए दलित पिछड़े मंदिर निर्माण में न जाए वरना मंदिर अपवित्र हो जाएगा। देखिए कितना तंज है, कितना दर्द है इन लोगों में। राम अवतार यादव ने एक सच्ची लाइन लिखी है, मायावती जी प्रधानमंत्री, शरद यादव जी राष्ट्रपति और अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा घोषणा कर यदि हम चुनाव मैदान में आ गए तो सच में हवा में उड़ जाएगा हिंदुत्व का एजेंडा। भैया इसमें दो और जोड़ लीजिए, तेजस्वी यादव बिहार, जेएमएम के हेमंत सोरेन झारखंड, देश भर में मराठा महाराष्ट्र में, गुजरात में ओबीसी, ये सब जोड़ना पड़ेगा। मोदी जी के तर्कस का आखिरी तीर है हिंदुत्व, राम मंदिर। इस तीर को बेअसर करने के लिए सपा बसपा को गठबंधन करने के साथ ही सुश्री मायावती जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को देश की भावी राजनीतिक दिशा तय करने के लिए अगुवाई करनी होगी और बसपा मुखिया सुश्री मायावती जी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री एवं देश के सामाजिक न्याय आंदोलन के हीरो श्री शरद यादव जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव मैदान में कूद जाना चाहिए, ऐसी मेरी नज़र में मेरी निजी सोच है। पूरा उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की चार रखने वाली जमातें इन दोनों नामों पर बेहिचक सहमत हो जाएंगी यदि देश सच में देश में वंचितों की सरकार बनानी है और मोदी जी से भारी उम्मीदवार जनता के समक्ष खड़ा करना है तो निसंकोच मेरी नजर में मायावती जी से सुयोग कोई नहीं होगा। चूंकि कांग्रेस के बारे में जब अखिलेश यादव जी बखूबी समझ गए होंगे कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है, बस इसमें अंतर केवल इतना है कि एक सामान्य लड्डू है तो दूसरा चांदी के अर्क में लिपटा हुआ लड्डू है। कांग्रेस लिबरल भले दिखती है और भाजपा से भी ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, हमें कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होने की बजाय उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, जो बेहद कठिन है। मायावती जी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की सबसे सुजोग एवं बेहतर कैंडिडेट हैं। उन्हें पिछड़ी जातियों को स्वीकारते हुए लोहिया एवं अम्बेडकर के गठजोड़ के प्रयासों को उनके जीते जी ने सही पर उनके मृत्युपरांत ही फलीभूत करने का एक सुअवसर आया हुआ है जिसे पूर्ण करना चाहिए। मायावती जी के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के बाद कई सवालों का जवाब मिल जाएगा। हिंदुत्व का भाजपा एजेंडा उत्तर भारत में फुस हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण का संपूर्ण दलित समाज हिंदुत्व से विरत हो बहुजन धारा में समाहित हो जाएगा। अखिलेश यादव जी दलितों में मायावती जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता हो जाएंगे, जो मायावती जी के बाद सर्वमान्य नेता बनने की स्थिति में हो जाएंगे। ऐसा करने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का वह कथन कि जिस दिन इस देश का दलित पिछड़ा एकजुट हो गया, पंडित गोविंद पल्लम जैसे लोगों को जूते की फीतियां बांधने में भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, पूर्ण हो जाएगा। डॉक्टर लोहिया का वह सपना कि समाज का आखिरी व्यक्ति सर्वोच्च आसन पर आए, ग्वालियर की महारानी के मुकाबले सुखो रानी की देश की संसद का नेतृत्व करे, असली जामा पहनाना होगा। थोड़ा लंबा लेख है लेकिन बहुत शानदार है, इसलिए सुनना चाहिए आपको। अखिलेश यादव की जाति ऐसी घोषणा कर चुनाव मैदान में आते हैं, एक ही तीर से भाजपा कांग्रेस दोनों बेद दिए जाएंगे। मायावती जी को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि यूपी में अगले सीएम अखिलेश यादव जी होंगे। जब दोनों की स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी तो दोनों लोग के कार्यकर्ता पूरे मनयोग से पीएम सीएम पद पर आसीन होने हेतु जान लड़ा देंगे। दलित पिछड़े समुदाय में इस घोषणा के बाद हर्ष की लहर छा जाएगी, पूरी बहुजन बस्ती में स्वतंत्रता की वास्तविक उम्मीद जग जाएगी। मायावती जी एवं अखिलेश यादव जी को राष्ट्रपति पद के लिए सामाजिक न्याय के महानायक श्री शरद यादव जी को मान लेना चाहिए, क्योंकि शरद यादव जी जैसा सामाजिक न्याय का एवं सेक्युलरिज्म की स्पष्ट सोच कोई व्यक्ति फिलहाल भारतीय राजनीति में नहीं है। शरद यादव जी खुद में एक विचार है, शरद जी संघर्ष की प्रतिमूर्ति हैं, लड़ते हुए उन्होंने दोनों पैरों के घुटने चकनाचूर हो चुके हैं, वे शुद्ध नास्तिक की विचारधारा के पोषक है। शरद यादव जी का राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान मजबूत होगा, संवैधानिक संस्थाएं बलवती होंगी, लोकतंत्र चिरस्थायी होगा, सत्याग्रह की धारणा को बल मिलेगा,
कमजोर आदमी मजबूत होगा। अखिलेश यादव जी और मायावती जी को पीएम सीएम पदों पर सामंजस्य बिठाने के साथ ही जातिवार जनगणना आबादी के अनुपात में भागीदारी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। जब तक आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी न मिल जाए तब तक पिछड़ों को संपूर्ण मंडल लागू करने तथा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, कोलिजियम सिस्टम की बजाय न्यायिक आयोग द्वारा कंपटीशन से जज बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई को अमली जमा पहनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देश का भोजन बेचैन है, खुद हुक्मरान बनने के लिए बस इस निमित्त मायावती जी अखिलेश यादव जी साझा प्रयत्न शुरू करें, परिणाम सुखद आएगा। बस मन से अभिजात जनों का डर निकालकर बहुजनवादी बनने का कार्य शुरू हो जाए, इनकलाब आ जाएगा और बहुजन राम कायम हो जाएगा। चंद्रभूषण यादव लिखते हैं, प्रधान संपादक यादव शक्ति, तो इसमें तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, चंद्रबाबू नायडू तमाम लोग आएंगे। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार जिस तरह से सोशली और इकोनॉमिकली और राजनीतिक रूप से सचेत हुए हैं, वो वक्त आ गया है जब बाबा साहब के सपनों का भारत, मानवर कांसीराम के सपनों का भारत, फूले के सपनों का भारत, पेरियार के सपनों का भारत, जगदेव प्रसाद के सपनों का भारत अगर बनाने की ताकत है तो वो मायावती जी में है, वो अखिलेश यादव जी में है, वो तेजस्वी यादव जी में है और ये होना चाहिए। बहुजन समाज मजबूत हुआ है। एक बार फिर से आप सब लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और बहुजन आंदोलन जिस तरह से तेज हो रहा है उससे साफ है कि आने वाले समय में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो है वो सत्ता होगा, वो राज होगा। और साफ है कि इस देश में बहुजन समाज की ताकत तभी बनेगी जब इस देश में सुश्री मायावती, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव को एक गठजोड़ बनेगा। मोदी को रोकना चुटकियों का खेल होगा। और मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरह से कल अयोध्या में 5,000 से लेकर 20,000 के बीच भीड़ जुटी है, ये साफ हो गया है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं। इन्होंने उन्माद को, धार्मिक उन्माद को किनारे कर दिया है, हरा दिया है। टेलीविजन भले ना दिखाएगा, मैं एक और बात बता रहा हूं, मैं लगातार छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव रैलियां कवर कर रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली में 50,000 से भीड़ कम कहीं नहीं आती है, जबकि टेलीविजन और अखबार आपको राहुल गांधी और मोदी की रैली दिखाता है, कहता है कि दो बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। यह बिल्कुल गफलत है, ये बिल्कुल दोनों बड़ी पार्टियां नहीं है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अखिलेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं उससे साफ है कि बीएसपी बड़ी ताकत है और 11 दिसंबर को आपको नतीजे सामने आ जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी को रोकने की असली ताकत अगर किसी में है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती में है, वो अखिलेश यादव में है, वो तेजस्वी यादव में है। और अगर ये तीनों मंच पर आ गए तो सीएम भी आपका होगा, पीएम भी आपका होगा, और तभी बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा और तभी संविधान बचेगा। नहीं तो राम मुद्दे के नाम पर आपको ठगा जाएगा। लेकिन शुक्रिया ओबीसी के दोस्तों, शुक्रिया बहुजन समाज के लोगों, शुक्रिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों, आपने जिस तरह से बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिन चुना था इन लोगों ने, बाबरी मस्जिद ढाने के लिए इन्होंने संविधान दिवस का दिन चुना। इन मीडिया वाले की बेईमानी देखिए, धर्म संसद दिखाता है, संविधान दिवस नहीं दिखाता है। ये मायावती जी की रैली नहीं दिखाता है, ये राहुल और मोदी की रैली दिखाता है जिसमें 25,000 लोग जुटते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अब बहुजन समाज किसी मीडिया का मोहताज नहीं है। उसके हाथ में मोबाइल है, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास बाबा साहब की किताबें हैं, उसके पास सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, संत गाडगे, उसकी बड़ी परंपरा है। और आप जिस तरह से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सचेत हुए हैं, आप तय मान लीजिए कि 2019 में मायावती जी पीएम कैंडिडेट होंगी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों का गठबंधन हुआ, एक मोर्चे पर लड़ेंगे तो इस देश में बहुजनों की सरकार आएगी। और आपके देश में अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि मोदी ने जितना रायता फैलाया है ये रायता समेटने की औकात कम से कम राहुल गांधी में तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से ये देश चल रहा है, हाँ, जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं, हर समय हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर के समय भी जगजीवन राम थे, तो ये चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है, बहुजन समाज को मायावती, अखिलेश और तेजस्वी के साथ होना चाहिए, तभी सत्ता में आप आएंगे। एक बार फिर से आप सबको संविधान दिवस की शुभकामनाएं, एक बार फिर से आपको अयोध्या के रैली को फॉलोअप करने के लिए दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से मैं संविधान दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ उन तमाम लोगों को याद कीजिए, चाहे वो रोहित बेमुला हों, चाहे 2 अप्रैल को जिस तरह से हमारे भाई का
की हत्याएं की गई, उन सब लोगों को नमन कीजिए। और संविधान है तभी बहुजन है, तभी भारत है, और संविधान है तभी मजबूत भारत होगा। इसलिए संविधान दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, सामाजिक आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक आंदोलन को भी आपको ताकत देना पड़ेगा। और तमाम बहुजन समाज के लोगों को टीवी अखबार के भरम में मत जाइए, राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में BSP ताकत से चुनाव लड़ रही है और 11 दिसंबर के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। ये वीडियो जरूर सर्कुलेट कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए। एक बार फिर से बहुत खुश हूँ, खुश हो रहा हूँ, संविधान को मिटाने वालों को अंदाजा नहीं था कि आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोग संविधान दिवस मनाएंगे। हाथ भी मत लगाना, जल जाओगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाबा साहब ने कहा था, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो हूँ ही बहुजन के साथ, जब नहीं रहूँगा तब मेरा असर सबसे ज़्यादा होगा, और वो साबित हो गया है। और अब शायद किसी को भी रोहित बमेला बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कोई सहारनपुर नहीं होगा, क्योंकि बहुजनों में एक जुड़ता आई है और वो ताकत दिख रही है। और बहुजनों ने दिखा दिया कि उसे स्कूल अस्पताल चाहिए, उसे रोजी रोटी चाहिए और उसे बहुजनों की सत्ता चाहिए। और जिस तरह से अयोध्या को आप लोगों ने फेल किया है, आप सबका शुक्रिया, OBC लोगों का शुक्रिया। और अगर आप लोग की वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जयपुर। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।